हिमाचल में हुई राजनीतिक उठापटक और आरसीपी सिंह के बतौर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद आज पहली बार आरसीपी सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात कई मायनों में खास थी। बीजेपी और जेडीयू में अरुणाचल की घटना से जो खटास पैदा हुई है उसे दूर करने की कोशिश के साथ साथ 14 जनवरी के बाद संभावित नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि आरसीपी सिंह से मुलाकात करने खुद भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंचे। आरसीपी सिंह से मुलाकात के बाद जब भूपेंद्र यादव मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रही देरी पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि उपयुक्त समय पर सब कुछ हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा कर रहा है। आज मेरा बिहार आना हुआ था और हम सब लोगों के लिए एक विशेष अवसर भी था। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए मैं उनको बधाई देने के लिए और एक हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी के लेकर उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है, उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आपके माध्यम से मैं पुणे आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं जब आरसीपी सिंह से ये पूछा गया कि अरुणाचल मामले के बाद जो दुख पार्टी को पहुंचा था वो दूर हुआ क्या, तो जवाब में आरसीपी पूरी तरह पलट गए। दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट दिया गया है? क्या चीज का दुख? हमें किसी चीज का, कोई चीज का दुख? जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आरसीपी से पत्रकारों ने जीतन राम मांझी की डिमांड से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर भी सवाल किए। जवाब में उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। उनको बैठा कर लेकर के भी कहा जाएगा? अरे तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर यह हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के दोनों ही नेताओं ने कुल मिलाकर ये संकेत देने की कोशिश की है कि अरुणाचल की घटना का कोई दूरगामी असर बिहार में नहीं दिखने वाला, इसलिए विरोधी जो भी कहें दोनों ही पार्टियों के बीच बराबर संवाद कायम है और एनडीए एकजुट है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट।